जय हिंद। जुलाई का महीना स्टूडेंट को जिंदगी बदलने का महीना आ गया है, क्योंकि जुलाई के माह जो है सो पूरे भारत में पूर्ण रूप से एग्जाम लेने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एडमिट कार्ड देना शुरू हो चुका है कि सेंट्रल रीजन का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एग्जाम का डेट क्लियर हो चुका है कि जुलाई माह में 1 जुलाई से 11 जुलाई तक पूरे भारत में एसएससी का एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम के बारे में बता दूं कि यह 10+2 लेवल का एग्जाम है। इस एग्जाम में जो बच्चे इंटर पास थे वही फॉर्म भरे हुए होंगे और वो जुलाई महीना में अपनी मेहनत का जलवा दिखाएंगे और वो अपना जीवन को जुलाई में बदलेंगे और जुलाई महीना स्टूडेंट का पूरे मेहनत को दिखाने का महीना है। 365 दिन स्टूडेंट के लिए होता है और 1 दिन 2 घंटे स्टूडेंट का एग्जाम के लिए होता है। वो 2 घंटे में बच्चे अपना किस्मत अपने ही हाथ से बदल लेते हैं। कहा जाता है कि स्टूडेंट अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और यहाँ पर वही देखा जाएगा कि खुद अपने हाथ से स्टूडेंट अपना यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि एसएससी के एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और वो कितने मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चन होंगे। 4 तरह के बात होगी एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेंगे और सिंपल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश से होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और कुल मिला के बेसिक रीजनिंग होगा 10+2 लेवल का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक एरिथमेटिक स्किल, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, ये सब आते हैं एरिथमेटिक स्किल के अंतर्गत। इसे 25 क्वेश्चन रहेगा। और जनरल अवेयरनेस, ये जीके जीएस है, साइंस और एसएसटी से लिया जाने वाला क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी हो सकता है, यहां से 25 क्वेश्चन होंगे। तो आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का होगा। नंबर 2 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 50 नंबर का होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 50 मार्क्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स होगा। यही पर स्टूडेंट, यहां पर सही मारने से स्टूडेंट का किस्मत सही दिशा में जाएगा और गलत टिक लगाने से स्टूडेंट का किस्मत गलत दिशा में चला जाएगा। और मैं बता दूं यह क्वेश्चन, ये जो एग्जाम हो रहा है वो सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहां पर कंप्यूटर पे ही बच्चों को बैठ के एग्जाम देना होगा। आई मीन ये ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम देना है। यहां पर यह देखना है कि स्टूडेंट को नंबर ज्यादा कहां से उठेगा। तो मैथ और रीजनिंग यदि किसी स्टूडेंट का पकड़ है तो 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन को हल कर सकता है, यानी कि 100 नंबर उसके पास आ सकता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपस में क्या होता है, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन है, दोनों जुड़ा हुआ है। मैथ का कैलकुलेशन कहीं कहीं रीजनिंग का कैलकुलेशन आपस में मिलता जुलता रहता है, इसलिए यदि स्टूडेंट का मैथ अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा होगा ही, रीजनिंग अच्छा है तो मैथ अच्छा होगा ही। यहां से 50 क्वेश्चन का हल करेगा, 100 नंबर मिलेंगे। और जनरल इंग्लिश क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट को सामान्यतया यह देखा जाता है कि इंटरमीडिएट लेवल तक के जो बच्चे का जो इंग्लिश का सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस जो क्लास वाइज पढ़ाई होता है, उसका जो इंग्लिश का ग्रामर है, कंपोजिशन है, उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है। कहीं पैसेज वगैरह जो है सो करंट अफेयर्स से ले लिया जाता है, पेपर वगैरह से ले लिया जाता है। और जनरल अवेयरनेस जो होता है वो प्लस टू लेवल तक का साइंस, मैथ और कुछ करंट अफेयर्स रहता है, जो देश में कहां क्या घटना घटा, नेशनल इंटरनेशनल, ये घटना सबसे घटित घटना से क्वेश्चन लिया जाता है। तो इस प्रकार से सीबीटी बेस एसएससी 10+2 का एग्जाम जो 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में होने जा रही है, बच्चे अपना, जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखे। जय हिंद।